एवरीवन, वेलकम टू इन्फो ट्रे टेक्निकल क्लासेस। आप सबके लिए बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज आती है। क्या आज की जो वीडियो है उसमें हम जानेंगे सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान में वैकेंसी निकल कर आई है, जो कि ITI, डिप्लोमा, BTech तीनों के लिए यहाँ पर वैकेंसी देखने को मिली है। तो आज की पूरी वीडियो में यही जानेंगे कि कब से कितनी पोस्ट है, कब से फॉर्म फिल है, पूरी डिटेल से इसको समझेंगे। ठीक है, आप अपनी ट्रेड के अकॉर्डिंग इसमें यहाँ पर फिल करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेती है कितनी पोस्ट किस वैकेंसी के अंदर है और किस किस ट्रेड के लिए यहाँ पर अवेलेबल सीट्स मिली है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंजीनियरिंग ऑफिसर्स वालों के लिए टोटल पोस्ट है 40, इंजीनियरिंग ऑफिसर्स 40, साइंटिफिक असिस्टेंट वालों के लिए टोटल पोस्ट यहाँ पर दी गई है 4। ये वाली जो इंजीनियरिंग ऑफिसर वाली है ये है बीटेक होल्डर के लिए, जिनका बीटेक है वो लोग इसको फिल करेंगे, और साइंटिफिक असिस्टेंट और इंजीनियरिंग असिस्टेंट ये है डिप्लोमा होल्डर्स के लिए। ठीक है, दोनों का समझ लो अच्छे से। ये वाली जो पोस्ट है ये डिप्लोमा वालों के लिए है, जहाँ पर 4 और 13 पोस्ट यहाँ पर दी गई है। अब ये आ जाता है आप सबके काम के लिए टेक्नीशियन ग्रेड 1, ये इलेक्ट्रिकल वालों के लिए यहाँ पर पोस्ट अवेलेबल है। कितनी पोस्ट है इलेक्ट्रिकल वालों के लिए? टोटल 24 पोस्ट इलेक्ट्रिकल वालों के लिए यहाँ पर दे रखी है। इससे पहले अभी जो इसरो में वैकेंसी आई थी उसमें फिटर वालों के लिए 14 पोस्टिंग, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिकल वालों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है। और ये वाली जो पोस्ट है असिस्टेंट ग्रेड 2 की, जो BA, BSc, BCom या फिर BCA वगैरह कर रहे हैं उनके लिए पोस्ट है, 18 पोस्ट यहाँ पर उनके लिए है। तो यहाँ पर इतना समझ लिया, अब आगे चलते हैं और क्या क्या इसमें मेंशन किया गया है, कब से फॉर्म फिल होने हैं और कब से इस पूरी इसकी चलेगी। आओ आगे आओ, इंपॉर्टेंट हेडलाइंस हम लोग यहाँ पर पढ़ लेते हैं। अब जो मैंने आपको पहले ही बोल दिया, ये वाली जो पोस्ट थी इंजीनियरिंग ऑफिसर के लिए इसमें क्या क्या मांगा है, फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग, और भाई उसी बीटेक भी आपका इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स में मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग वाले ही इसमें फिल करेंगे। मैक्सिमम एज जो दे रखी है 30 ईयर मैक्सिमम एज है, और गेट स्कोर भी आपसे यहाँ पर मांगा गया है, गेट स्कोर वैलिड गेट स्कोर ऑफ ईयर 2021 से 2022-23 के बीच यहाँ पर आपका गेट का स्कोर भी यहाँ पर मांगा गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये आ जाती है हमारी डिप्लोमा वाले के लिए साइंटिफिक असिस्टेंट, 4 पोस्ट BSc, फर्स्ट क्लास BSc इन केमिस्ट्री से, और इसमें भी आपकी 35 ईयर जो मांगी गई है मैक्सिमम एज 35 ईयर। ये आ जाता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग असिस्टेंट वालों की, इसमें आपका 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए, पहली बार 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, 5 ईयर एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेटेड एंड इलेक्ट्रिकल सिविल मैकेनिकल वाले इसमें फिलअप कर सकते हैं, और मैक्सिमम एज 35 ईयर जो है इसमें मैक्सिमम एज मांगी गई है। अब आ जाओ अपनी ITI वालों के लिए टेक्नीशियन ग्रेड 1, इसमें कितनी मांगी गई है टेक्नीशियन ग्रेड 1 में, ITI सर्टिफिकेट चाहिए, ITI सर्टिफिकेट मैक्सिमम एज है 28, और लेकिन ITI ट्रेड सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रिकल वालों के लिए ही है ये पोस्ट। असिस्टेंट ग्रेड मैंने पहले ही बोला, BA, BSc, BCom, BBA, BBM, BCA वाले इसको जिनके पास इन्होंने कर रखा है वो करेंगे, और बेसिक कंप्यूटर कोर्स भी उसमें यहाँ पर मांगा गया है, और साथ ही साथ 30 ईयर मैक्सिमम एज यहाँ पर रखी गई है। तो ये तो पूरा हो जाता है। अब एज देखो कब से काउंट की जाएगी, अपर एज लिमिट जब फॉर्म फिल होने की लास्ट डेट से 14 अप्रैल से आपको इसमें मांगा जाएगा, अपर एज लिमिट यहाँ तक की आपको होनी चाहिए। और देख लेते हैं इसमें इम्पोर्टेंट, अब आ जाता है ग्रेड पे, सैलरी क्या होगी सबसे इम्पोर्टेंट चीज, ग्रेड पे इसमें आपको कितना मिलेगा। तो इंजीनियरिंग ऑफिसर जो बीटेक वाले हैं उनके लिए तो बहुत बढ़िया, 44,900 से लेकर 1,42,000 तक का ग्रेड पे होने वाला है। साइंटिफिक असिस्टेंट वो डिप्लोमा वालों के लिए 35,000 से 1,12,000 तक की आपकी यहाँ पर बनेगी। ठीक है, और यहाँ पर बोला गया कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, CBT एग्जाम होगा, जॉब स्पेसिफिक, मतलब पहली बात तो CBT एग्जाम होगा, साथ के बाद उसके बाद स्किल टेस्ट भी यहाँ पर होना है डिप्लोमा वालों के लिए भी, स्किल टेस्ट भी होगा, CBT एग्जाम भी, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम भी होगा।
बात कर लेते हैं आईटीआई वालों का क्या हाल होगा इसमें। आईटीआई वालों का भी आईटीआई वाली ग्रेड वन की जो इंजीनियरिंग ग्रेड वन की जो इसमें 19,900 से लेकर 63,200 तक का यहाँ पर आपकी सैलरी होगी। सेम प्रोसेस सीबीटी एग्जाम, फिर स्किल टेस्ट। अगर सीबीटी एग्जाम क्लियर हो जाता है फिर स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट के बाद क्या होता है, स्किल टेस्ट के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर फाइनली आ जाता है ज्वाइनिंग लेटर। तो 3-4 स्टेप यहाँ पर होने हैं आईटीए के लिए भी। और जहाँ पे स्किल टेस्ट का आता है ना तो बहुत बढ़िया ही रहता है, सैलरी वगैरह बहुत अच्छी पोस्ट रहती है अगर स्किल टेस्ट भी यहाँ पर हो रहा है। असिस्टेंट ग्रेड सेकंड सेम वही प्रोसेस 25,500 से स्टार्टिंग होगी और सीबीटी एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। आओ आगे देख लेते हैं अब क्या है इसमें। कब से फॉर्म फिलअप होने स्टार्ट है ये और देख लो, ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, इसको मैं स्पिन अप करा दूंगी, आप वहां से भी यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पे इसकी जो साइट है ना, इस साइट पर जाके आप लोगों को फॉर्म फिल करना है। यहाँ क्लिक करेंगे डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन पे पहुंच जाएंगे, वहाँ अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह करके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। कम्प्लीट यहाँ पर पूरा स्टेप बाय स्टेप सब कुछ क्लियर करा रखा है। यहाँ पे भी वही बोल रखा है, सबसे पहले एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट, फिर स्किल टेस्ट, फिर ट्रेड टेस्ट, फिर फाइनली सबमिशन हो जाता है और उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर वगैरह सब कुछ कंप्लीट। यहाँ पर पूरा डीआरडीओ जैसा ही प्रोसेस है अगर नॉर्मली बात की जाए तो, जैसे डीआरडीओ में सब कुछ होता है। ठीक, आगे बात कर लेते हैं फीस वगैरह कितनी है इसमें, फीस कितनी है। और ये आपको सारे स्टेप बाय स्टेप देंगे किस किस साइज के फोटोज वगैरह, सिग्नेचर वगैरह, तो ये तो इतना वो नहीं है, कैसे फिल करना है, फिलिंग का सब कुछ दे रखा है। हाँ, अब फीस देख लो, फीस थोड़ी ज्यादा है यहाँ पर। जो डिप्लोमा जो बीटेक वाले हैं उनके लिए तो फीस रखी गई है 1,000 रुपीज फॉर ईच पोस्ट, 1,000 रुपीज। लेकिन टेक्नीशियन ग्रेड वन और असिस्टेंट ग्रेड सेकंड की जो पोस्ट है इसके लिए जो फीस रखी गई है 500 रखी गई है। लेकिन इसमें भी SC ST की जो कैंडिडेट है, SC ST PWD हैंडीकैप है और जो वुमेन कैंडिडेट है उनके लिए कोई भी फी नहीं रखी गई है। ठीक है, फ्री है उनके लिए वाला। अब बात कर लेते हैं डेट कब से भरने फिलअप हो जाएंगे फॉर्म, तो इसकी जो स्टार्टिंग डेट होगी यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की ओपनिंग डेट है 25 मार्च से ये भरने फिलअप स्टार्ट हो जाएंगे 10 बजे से, और कब तक 14 अप्रैल तक इसको आपको फिल कर देना है। कट ऑफ डाटा वगैरह जब एग्जाम के बाद होती है तो 14/4 को ही यहाँ पर सब कुछ फाइनल हो जाएगा। अपर एज लिमिट से आपको यहाँ पर इतनी एज आपकी होनी चाहिए। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, 23 तारीख को ही एग्जाम हो जाना है, तो देख लो कितना कम टाइम मिला है। फॉर्म अभी आया फिर आपको तुरंत ही एडमिट कार्ड वगैरह शो हो जाएगा, 23 तारीख को आपका डायरेक्टली एग्जाम भी हो जाएगा। तो जो आईटीए वाले स्टूडेंट है ना उनको पहले से ही सब कुछ प्रिपेयर करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर बहुत ही कम टाइम ही नहीं मिल रहा है, पोस्ट आते वैकेंसी आते डायरेक्टली यहाँ पर एग्जाम देखने को मिल गया। और फिर ट्रेड टेस्ट के लिए भी आपको बहुत जल्दी बुला लिया जाएगा, मई में आपका ट्रेड टेस्ट हो जाएगा और फाइनली सब कुछ उसके बाद ट्रेड सीबीटी टेस्ट हो जाता है, ट्रेड टेस्ट हो जाता है, फिर फाइनल आपका मेरिट लिस्ट और फाइनल रिजल्ट यहाँ पर आपका शो हो जाएगा। तो बहुत जल्दी प्रोसेस है और हर चीज मेंशन कर रखी है किस स्टेप से कैसे कैसे इसको लेकर चलना है। ओके, और बस इसकी साइट पे एक बार विजिट कर लेना अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो। और ये वाली जो इसमें और आगे कुछ नहीं था, इसकी साइट पर एक बार विजिट कर लेना, जो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे साइट पर पहुंच जाएंगे जहाँ से आपको इसका रजिस्ट्रेशन फिल करना है। तो आज के लिए तो इतना ही रखते हैं, अगर कोई भी प्रॉब्लम रह जाती है, कुछ समझ नहीं आया तो आप नीचे कमेंट में पिन कर सकते हैं, स्क्रीन पर 2 नंबर हैं वहां पर भी कॉल करके आप फुल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके बाद जो हमारा एप्लीकेशन पे कंप्लीट बैच चल रहे हैं, कंप्लीट क्लासेस चल रही है डेली बेसिस से, आपको अगर ज्वाइन करना है तो उसमें भी स्क्रीन पर नंबर दे रखे हैं, वहां जाकर आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। तो फिर जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीडियो एंड कुछ अच्छे से नोटिफिकेशन के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखें, खुश रहें, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद जय भारत।